सो गाइज, फाइनली आज 30वां रोज़ा है और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ। सदर रोड कमर्शियल तो आप लोगों ने देख ही लिया है मेरे व्लॉग्स में, एक दिन शॉपिंग के लिए मिला है, वरना बारिश ने तो इतना मूड ख़राब किया हुआ था ना। और बाकी तो ऐसे मेरे पास ड्रेसेस बहुत सारे, इसके अलावा मेरे पास तीनों दिन के ड्रेसेस हैं, वो आप लोग व्लॉग में देखते रहेंगे। घर वाले तो मेरे, उनकी तो हो गई शॉपिंग, ठीक है, सिर्फ मेरा बस एक ड्रेस रह गया। तो राजा बाजार हम जाएँगे तो रश भी देखेंगे थोड़ी सी, कि कैसे आप लोगों को दिखाऊँगी कैसी चल होती है ईद के दिनों में। और मुझे बहुत बुरी लगती है रश, लेकिन फिर भी बड़ा दिल पक्का करके मैं आज जा रही हूँ। आइए चले देखते हैं क्या होता है। गाइस, आज शॉपिंग का मेरा थर्ड डे है, ठीक है। पहले दिन तो बारिश हो गई और बारिश की वजह से मैं शॉपिंग नहीं कर सकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरे दिन फिर बारिश होगी और कल मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, पर मुझे लग रहा था कि ईद कल हो जाएगी, मतलब आज हो जाएगी, लेकिन ईद तो हुई नहीं। तो आज लास्ट डे है, आज फिर मैं शॉपिंग के लिए निकली हूँ। दिखाया कि मैं सदर गई थी, और क्योंकि पिंडी में गाड़ी लेके जाना आपको पता है कि इंतहाई, मतलब फजूल बेवकूफ़ काम है, ठीक है। और ऐसा मैंने नहीं करना था, इसलिए मैं पहले दिन भी बाइक पे, दूसरे दिन भी बाइक पे, और अभी फिर मैं आप लोग देख सकते हैं बाइक पे हूँ। और यहाँ पे अभी रश नहीं है क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं। मतलब घूम लिया कर, ठीक है, लिया सिर्फ दो चीज़ें ली हैं, ड्रेस एक दोस्त स्टिच करवाने के लिए कज़न को दिए हैं, उनके घर से पिक करने, और देन वापस घर आएंगे। और रियली सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं बना सकी रमज़ान में, बट अभी से हमने स्टार्ट कर दिया दोबारा से, और अभी देखते हैं ईद पे हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। फिलहाल रश इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, मेरे भाई का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि मुझे शॉपिंग क्यों नहीं कराई, तो उसको शॉपिंग कराऊंगी, देन उसका कोई मूड होगा और वो मेरे से कोई बात करेगा। फिलहाल राजा बाजार की रश में घुसने लगे, आप लोगों को पिंडी की रश दिखाते हैं। फिर अगर दिखाना चाह रही थी कि पिंडी में किस तरह की रश लगी होती है ईद के दिनों में, और आज आखिरी दिन है। और फिलहाल तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पीछे आप लोग देख सकते हैं कितनी रश है। मोती बाजार जा रहे हैं हम, और पता नहीं केड़ी हवेली, लाल हवेली नहीं, ऐसी हवेलियां देखने का हमें कोई शौक नहीं है जो इतनी रश वाली जगह पे हो। सो गाइस, मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ और इतना रोज़ा लग रहा है, यकीन कर। अभी मुझे लगता है रोज़ा राजा बाजार में ओपन होगा हमारा, और मैं खुद भी ख्वार हो रही हूँ और अपने भाई को भी ख्वार करी जा रही हूँ, ठीक है। 3 घंटे में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। सो अभी धूप क्यों पड़ी है, किधर हूँ मैं? ये वाली दे दें, ये वाली कर दें भाई। गाइस, मैंने ड्रेस और ज्वेलरी ले ली है, और अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, और कुछ यहाँ से खा पी के फिर जाऊँगी। और अभी तक इतनी रश है ना, जो ही मगरिब होनी है और रश इतनी ज़्यादा हो जानी है, इससे पहले रश ज़्यादा हो, कुछ खाते पीते हैं और जाते हैं, और घर वालों के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं। गाइस, ये देखें मगरिब के टाइम की हालत, एटीएम की क्या हाल। यहाँ पे यही एटीएम है, एक एचबीएल, और मेरे ख्याल से चलता भी है कि नहीं। और मैं थक गई हूँ, इतना रोज़ा लग रहा है, और यहाँ से मैंने कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो कुछ गाइस, ये देखें रेस्टोरेंट बंद है राजा बाजार के, कहीं नहीं बैठ सकते, यहाँ से जाएंगे कहीं और खाने पीने। फिलहाल कोई रोज़ा खोलने के लिए कोई चीज़, शेर तुम प्लीज़ जूस पकड़ लाओ वहाँ से, इतनी नींद आ रही है, ओह माय गॉड। जूस पी के रोज़ा ओपन करे, जान होने वाली है। वैसे रहते हैं 7-8 मिनट, पूरा 500 हो गया। आज का रोज़ा राजा बाजार में ओपन होने वाला है, और मैं मास्क लगा लूँ। आज रोड पे अफ्तारी होने लगी है मेरी। अजान
परेशान हुई है। बस अब जा रहे हैं क्योंकि राजा बाजार इसके बाद बहुत ज़्यादा रश होना है, इसलिए आप मज़ीद रुक नहीं सकते। ये मोबाइल्स की इधर शॉप है इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि वो आप लोग इतने देखेंगे। वाओ, गफ्तारी भी कर रहे हैं इधर, ये देख बैठे हैं सारे, सब कुछ बंद है और मैं तो गई, खाली खाली है तो इससे पहले कि भर जाए। टाटा राजा बाजार। गाइस, आज आप लोगों ने मेरे साथ बाइक का सफ़र भी कर लिया है और बहुत बुरा सफ़र होता है इसका, आप लोग इससे परहेज करें। हाँ तो हो गई, इससे परहेज इसलिए करें क्योंकि बहुत अच्छा, ओके फाइन, बहुत अच्छा सफ़र है इसका, ठीक है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। सो गाइस, इधर जगह कहाँ है? मेरे लिए रोल पराठा, एक दही भले एक रोल पराठा। दही भले मंगवाए हैं, आप लोग मेरे साथ हैं, मैं बोर नहीं होंगी। इस रोल पराठा और दही भले आके हैं। गाइस, इसके बाद मैंने जाना है, एक ड्रेस स्टिच के लिए दिया हुआ है और वो लेकर आना है और बहुत देर हो गई है, खाना पीना ही हमारा खत्म नहीं हो रहा। इस दिन का रोल पराठा बहुत ऑसम है, रियली गुड नाइट। हाँ वो ले लेंगे, ये सिल्क है, कलर उतरता है इसको अलग से बहुत। मेहंदी लगवानी है, कौन सा ऐसे है ना, मोबाइल को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, करो इसका जो है दामन, ये पर्पल था ना तो पर्पल हल्की ऊपर इस कलर की, गला मैंने देखा है बेटा, ये उसका है अलमीरा का, नहीं तो इसका वो क्यों नहीं था, शलवार क्यों नहीं थी, ये सिर्फ शर्ट दे रहे थे। ज्यादा हुई ना जब लगा लो वही तो थोड़े उतार के देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आर्क होता है ना तो फिर उससे यह है कि निशान पड़ जाता है। लग रही आप बेटा, पिन यही थी ये ड्रेस, हाँ ये लाहौर से लिया था। अच्छा आप ही, मैं जा रही हूँ फिर, हाँ बहुत टाइम, ओके ओके। सो गाइस, मैं घर आ गई हूँ और आई एम टू मच टायर्ड, हालत बहुत बुरी हो गई है, मैंने आके भी दोबारा फ्रेश होके फिर वीडियो बना रही हूँ। सो अभी मैंने लाइव भी आना है, बाहर ही थोड़ा बहुत कुछ खाया, अभी बिल्कुल कुछ भी और मूड नहीं है। कुछ लोगों की डिमांड्स थी कि हमने देखना है कि पिंडी की रश और हलचल कैसी होती है, क्योंकि पिंडी में जो रश होती है ना वो उस वजह से ना सर में दर्द शुरू हो जाता है, और अभी मेरे सर में इतना शदीद दर्द है ना क्योंकि मैं सोई भी नहीं हूँ, बट अभी मेरे बहुत सारे काम हैं। सो गाइज, अब आप लोग ईद वाले दिन देखेंगे कि हम कैसे लग रहे हैं, और ईद वैसे सिंपल ही होती है ईद, तो आप लोग देखेंगे ईद पे कोई ख़ास करना नहीं होता, जस्ट घर में त्याशर हो के घूमो फिरो, हर किसी लड़की की ऐसी ईद होती है। सो बाय द वे, और जिस जिसने मुझे ईद दी है उसका थैंक यू सो मच, और ओह माय गॉड, और जिस जिसने नहीं दी वो दे दे वही ईद दे दे तो हम जाएंगे। खैर फिलहाल तो हम ईद ही देते हैं सारों को, हमें तो कोई ईद ही नहीं देता, हालांकि अभी तो मैं इतनी छोटी सी हूँ। सो गाइज, अब मैं चलती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सना सरफराज को इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ, ओके टाटा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं। और एक और बात मेरी तरफ से आपको और आपके घर वालों को एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि कल ईद है सुबह सुबह, ही याहू मज़ा आने वाला है।